हेलो फ्रेंड्स, आई एम राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एम ओपिनियन। फ्रेंड्स, अगर आप सच में कोई भी एमसीएन ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आप मेरे इन सारे वीडियो को जाके देखिए। नंबर वन ये वीडियो, नंबर टू ये वीडियो और नंबर थ्री ये वीडियो। ज़्यादातर इन तीनों वीडियो को आप अच्छे तरह से देखिए, क्योंकि आप लोग वीडियो अच्छे तरह से पूरे वॉच नहीं कर रहे हो और उसके बाद आप ऐसे ही जल्दबाजी में एमसीएन ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो, फ्रीडम ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो, ज्वाइन हो रहे हो और उसके बाद उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हो, बहुत सारे रॉन्ग कमेंट कर रहे हो। तो देखिए, मैं जितना हो सके आप लोगों के जो सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, मेरे भी बहुत सारे काम हैं। मुझे इतने सारे चैनल को अकेले संभालना पड़ता है, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को हेल्प करने के लिए, लेकिन काम तो आप लोगों को ही करना है। मैं जाके आपका काम नहीं कर सकता, तो आपके काम आपको ही करना है। तो बात यह है कि आप लोग, मैंने पहले बताया, जल्दबाजी में एमसीएन ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो, फ्रीडम पर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, ज्वाइन भी कर रहे हो चैनल को, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि फ्रीडम आपको अप्रूवल दे रहा है या फिर नहीं। ये बात आपको अच्छे तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा कि फ्रीडम से आपको अप्रूवल मिल रहा या फिर नहीं। मैं एक बात आज साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर फ्रीडम से आपको कोई भी अप्रूवल मिलेगा तो आपके चैनल के जो मेल आईडी, वहाँ पर फ्रीडम डायरेक्ट आपको मेल करके बताएगा, डायरेक्ट वहाँ पर लिखा रहेगा कि फ्रीडम आपके चैनल को अप्रूवल दे रहा है, आपके चैनल अप्रूव्ड हो गया है फ्रीडम एमसीएन पर। ये पूरे के पूरे एक मेल आपके पास आ जाएगा। कल ही एक भाई ने मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, तो ऐसे प्रॉब्लम सबके साथ है, तो वो स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो देखिए, ये है वो स्क्रीनशॉट। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इनका जो चैनल है ये एक गेमिंग चैनल है। यहाँ पर देखिए साफ साफ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए, यहाँ पर फ्रीडम ने बता दिया कि रिव्यू पर आपका जो चैनल डिड नॉट पास द रिव्यू, मतलब रिव्यू पर उनके चैनल पास नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर बताया, देखिए, नोट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट सपोर्ट एट द रेट फ्रीडम डॉट टीएम और चैट विथ आस, मतलब आप फ्रीडम सपोर्ट टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, उनके साथ चैट कीजिए कि आपके चैनल को क्यों अप्रूव नहीं मिला, तो उनके साथ बात करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लेकिन ये सारे चीज जो आप लोग ना रीड नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपके आ रहा है एक्टिव और आप समझ रहे हो कि आपके चैनल को फ्रीडम ने अप्रूवल दे दिया, आप फ्रीडम के साथ जुड़ चुके हो, आपका जो अर्निंग फ्रीडम एमसीएन पर आ जाएगा और वो आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये देख के अपना बैंक अकाउंट भी यहाँ पर ऐड कर चुका है। तो पहले वो भाई ने मुझे जब ये एसएस भेजा था, मैंने अच्छे तरह से देख नहीं पाया, तब मैंने एक वीडियो एडिट कर रहा था, एडिट करते करते उनके साथ बात हो रहा था चैट पर, इंस्टा पर। आज सुबह जब फिर से मैं ये स्क्रीनशॉट चेक किया तो मुझे यहाँ पर देखने को मिला कि इनका चैनल रिव्यू पर पास ही नहीं हुआ। तो तुरंत मैंने उसे बता दिया कि भाई, आपका चैनल रिव्यू पर पास नहीं हुआ, आप चाहो तो फ्रीडम सपोर्ट टीम के साथ बात करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये एक्टिव देख के बहुत सारे क्रिएटर सोच रहे हैं कि मुझे फ्रीडम से अप्रूवल मिल गया, मेरा चैनल फ्रीडम से जुड़ गया, मेरा अर्निंग फ्रीडम पर आ जाएगा, बैंक अकाउंट मैंने ऐड कर दिया, अभी मेरा सारे जो EIT स्टूडियो का रेवेन्यू फ्रीडम पर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर फ्रीडम से आपको अप्रूवल मिलेगा तो फ्रीडम आपके मेल आईडी पर
मेल करेगा कि आपको अप्रूवल मिल गया, आप अप्रूव्ड हो गए, आप वहां पर रिव्यू पर पास हो गए, और यहां पर जो इस तरह से लिखा आ रहा है ये नहीं आएगा, यहां पर ही आपको दिखा देगा कि योर चैनल इज अप्रूव्ड फ्रीडम एनसीएन, ये आ जाएगा। ये नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट को यहां पर ऐड करना, या फिर आप फ्रीडम सपोर्ट टीम के साथ बात करते हुए अगर आपका सॉल्यूशन निकाल लोगे उसके बाद ही उनके तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा, ये सब कुछ हट जाएगा, अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा, तभी आप अपने बैंक अकाउंट को वहां पर ऐड करना। और भी एक तरीका है जिससे आपको पता चल जाएगा, मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर जाके दिखा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए, उसके बाद यूट्यूब पर जाइए, उसके बाद आप यूट्यूब स्टूडियो पर जाइए, यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आ जाइए, यहाँ पर आप मोनेटाइजेशन पर जाइए, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए ये जो देखिए ये जो सेक्शन, ये जो इंटरफेस यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ऑप्शंस, यहाँ पर एडसेंस अकाउंट है, ओनली एडसेंस है, यहाँ पर फ्रीडम के भी एक्सेस आपके पास आ जाएगा, मतलब यहाँ पर दो दो अकाउंट आपको दिखेगा, एक दिखेगा एडसेंस अकाउंट और दूसरा दिखेगा फ्रीडम अकाउंट। तो आप अगर एडसेंस के साथ ऑलरेडी लिंक हो तो आपको फ्रीडम के साथ लिंक करते हुए एडसेंस को इग्नोर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो यूट्यूब अर्निंग, जो यूट्यूब के रेवेन्यू फ्रीडम एमसीएन पर ट्रांसफर हो पाएगा, और यहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा कि फ्रीडम से आपको अप्रूवल मिला कि नहीं। अगर फ्रीडम से आपको अप्रूवल मिल जाएगा, सब कुछ आपके चैनल रिव्यू पर पास हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रीडम अकाउंट का भी इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, इसी तरह से जैसे एडसेंस अकाउंट उनका पब्लिशर आईडी आ गया है, उसी तरह से फ्रीडम अकाउंट उनका भी आईडी यहाँ पर शो हो जाएगा, आपको एडसेंस को छोड़ के फ्रीडम को यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान से याद रखिए। नंबर टू, अगर इस भाई के तरह आपके भी एक्टिव दिखा रहा है और नीचे ऐसा ही दिखा रहा है कि आपके चैनल रिव्यू पर पास नहीं हुआ, आप फ्रीडम सपोर्ट टीम के साथ बात कर सकते हो, तो आप बात कर लीजिए, वो आप कैसे करोगे वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पर आप फिर से क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए, यहाँ पर आप अपने एमसीएन अकाउंट पर लॉगिन हो जाइए, तो मैं फ्रीडम पर लॉगिन हो जाता हूँ। तो इस तरह से फ्रीडम का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप थोड़ा नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए कनेक्ट विथ आस, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग वीडियो को अच्छे तरह से पूरे वॉच नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपके साथ इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेगा, ज्वाइन आवर कम्युनिटी, फ्रीडम सपोर्ट, फेसबुक से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप ट्विटर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैं फ्रीडम सपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ, आप भी कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इंग्लिश हेल्प सेंटर, आप यहाँ पर ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर हिंदी का भी ऑप्शन है, देखिए हिंदी का भी ऑप्शन है, अगर आप हिंदी में राइट करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, तो यहाँ से सारे कुछ हिंदी में आपको दिखाएगा और आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो। ओके, तो मैं वापस जाता हूँ इंग्लिश पर। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए फ्रीडम डैशबोर्ड के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पर देखिए YouTube पार्टनरशिप के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो, देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो इतने सारे कुछ आपके सामने आ जाएगा, देखिए इतने सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, तो यहाँ से आप क्लिक करते हुए आप हेल्प ले सकते हो। और अगर देखिए यहाँ पर देखिए YouTube के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आ जाएगा, आप सारे कुछ रीड कीजिए, करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप फाइंड आउट कीजिए और वहाँ पर क्लिक करते हुए आप फ्रीडम सपोर्ट टीम के साथ
चैट पर या फिर मेल पर बात कर सकते हो। और यहाँ पर और भी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर देखिए म्यूजिक के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, और यहाँ पर देखिए सबसे बढ़िया बात देखिए मोनिटाइजेशन के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए CPM के बारे में आप जान सकते हो, YouTube रेवेन्यू के बारे में आप अगर कुछ पूछना चाहते हो, ये देखिए मोनिटाइज गेम प्ले इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो, देखिए वाई कैन नॉट मोनिटाइज माई वीडियो, देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। जो भी आपके प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप फाइंड आउट कीजिए, उसके मुताबिक आप उस जगह पर इस तरह से क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारे कुछ रीड करने के लिए मिल जाएगा। देखिए रिलेटेड आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए सबमिट ए टिकट आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, हैव मोर क्वेश्चन सबमिट ए टिकट, यहाँ पर देखिए वाज दिस हेल्पफुल, देखिए ये एक वीडियो भी दे दिया है इसके बारे में, आप इसे भी देख सकते हो। और सबमिट टिकट पर क्लिक करते हुए आपको जो कुछ भी पूछना है, जो कुछ भी जानकारी चाहिए वहां से ही आपको जानकारी लेना पड़ेगा। और यहां पर ट्विटर पर क्लिक करते हुए आप डायरेक्ट उनके ट्विटर अकाउंट पर जा सकते हो, वहां पर भी आप आपके जो सवाल है, आपको जो जानकारी चाहिए वो आप यहां पर भी सेंड कर सकते हो। पहले आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा फ्रीडम को, उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हो। इस तरह से आप YouTube को टैग करते हुए बहुत सारे सवाल YouTube को पूछ सकते हो, इसी तरह से आप फ्रीडम को यहाँ पर फॉलो कर लो, और फ्रीडम को टैग करते हुए Twitter पर भी बहुत सारे सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से काम करना पड़ेगा, ये काम तो मैं आपको करके नहीं देने वाला, मैं कर भी नहीं सकता हूँ, आपको ही करना है इसे। यहाँ पर आप थोड़ा टाइम बिताइए, सब कुछ ये जो ऑप्शन है मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मेरे इससे पहले जो वीडियो अपलोडेड हुआ वहाँ पर मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, सारे डैशबोर्ड के ऊपर जितने सारे फीचर्स था सब के बारे में, सेटिंग्स के बारे में भी मैं बता चुका हूँ वीडियो में। तो कुछ समझा, जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के हेल्प करने के लिए, और आप लोगों को अच्छा अच्छा वीडियो देने के लिए, ट्यूटोरियल देने के लिए, तो आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से फीचर पर क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, यहाँ का फैसिलिटीज़ क्या है, और यहाँ का कोई अगर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, ये आपको फाइंड आउट थोड़ा बहुत आपको भी करना है। सब कुछ मैं करके दे दूँ ये हो नहीं सकता, आपको भी थोड़ा मेहनत करना है। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं जाके आपके लैपटॉप पर बैठ के तो आपके काम नहीं कर सकता ना। तो थोड़ा टाइम बिताइए, जो मैं कह रहा हूँ उस वीडियो को पूरे डिटेल्स ध्यान से एंड तक देखिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है, बस यही बताना था इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करते हुए शेयर जरूर कर देना, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ऑल पे भी क्लिक कर देना। तो मैं आज के लिए चलता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय, जय हिंद।